स्मार्टफोन्स तो जो है सभी लोग हम यूज़ करते हैं, पर हमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है थोड़ा सा गिरने पर या फिर जो हाथ पैर के नीचे दबने पर जो है स्क्रीन टूट जाएगी। तो वहीं पर हमारे जो है फीचर्स फोन या कीपैड वाले फ़ोन आपके जो है काम आते हैं, क्योंकि हमें जो है पता है अगर थोड़ा बहुत गिर गया या फिर जो हाथ पैर के नीचे भी दब गया तो जो हमारे स्क्रीन बची रहेगी, यानी कि साबुत रहेगा फ़ोन। तो खैर, तो फालतू बात थी, अपने मुद्दे पर आते हैं। आपको बता दो, शाओमी ने अपने दो कीपैड वाले फ़ोन लॉन्च करे हैं। जी हाँ, बहुत लोगों को एक ही फ़ोन का पता है, ऐसा नहीं है, दो फ़ोन लॉन्च करे गए हैं। एक आपका कीपैड वाला आपका फीचर फ़ोन है और दूसरा आपका जो है एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि इस एक ही वीडियो में जानेंगे इसके सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस और जानेंगे क्या सच में जियो फोन को किल करता है और आपका ग्लोबल या फिर इंडिया में कब आएगा और जो है कितने प्राइसिंग पर आएगा। तो खैर, बिना समय की बर्बादी किए जल्दी से इसके स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं। इसके अंदर आपको 2.8 इंच इसकी स्क्रीन मिलती है, 240x320 पिक्सल्स, यानी आपको जो है QVGA स्क्रीन मिलने वाली है। और इसके अलावा 143 पिक्सल पर इंच यानी PPI की स्क्रीन डेंसिटी मिलने वाली, यानी क्लैरिटी यानी आपका 2.5 इंच या फिर जो है 3 इंच की स्क्रीन के लिए जो है बहुत अच्छी मिल जाती है। और इसके अलावा जो 8.5 mm की थिकनेस मिल जाती है, यानी कि आपका बहुत बेहतरीन लगने वाला है फ़ोन। और इसके अलावा आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है स्क्रीन पर, यानी आपका जो है फ़ोन मजबूत होने वाला है। और इसके अलावा आपको D-pad आपको नेविगेशन बटन मिल जाता है, यानी कोई चार बटन नहीं है आगे पीछे करने के लिए, यानी आपके चार बटन नहीं मिलते आपको आगे पीछे करने के लिए, एक ही बटन सेंटर में दिया गया है जिससे आपको जो है सारे के सारे जेस्चर के थ्रू आगे पीछे जाना होगा, जो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, यानी मॉडर्न चीज़ है। और इसके अलावा T9 कीपैड मिल जाता है, यानी नॉर्मल वाला जैसे पुराने फोन्स में होता था 9 बटन वाला। और इसके अलावा प्रोसेसर की बात करें तो स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर मिलता है, डुअल कोर प्रोसेसर 1.3 GHz पर जो है बेस्ड, यानी कि क्लॉक्ड है। और इसके अलावा माली T82 GPU मिलता है इसके अंदर, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे GPU का इतना तगड़ा कोई इसमें काम नहीं होगा फोन में, फिर भी जो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको बता दूं 28 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है आपका ये, जिसके अंदर लगाया गया है। और इस प्रोसेसर को बनाने का एक ही मकसद है कि आपको जो चीप से चीप रेट पर आपको जो 4G चलाने का जो मौका दिया जाए। और इसके अलावा 256 MB यहाँ पर रैम मिलती है, 512 इंटरनल मेमोरी मिलती है, यानी कि रोम मिल जाती है, SD कार्ड लगाने का ऑप्शन भी है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है। और इसके अलावा 4G वोल्टी चल जाएगा। और इसके अलावा आपको रिलायंस जियो बहुत आराम से चलेगा, तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत जो है नहीं है। और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, मोकोर 5.0, यानी कि आपको जो है जैसे काईओएस मिलता है जियो में, उस तरीके से यहाँ पर जो है मिल जाता है, पर यहाँ पर जो है एंड्रॉइड बेस्ड है। और इसके अलावा बैटरी की बात करें तो 1480 mAh की बैटरी मिल जाती है, 15 दिन का स्टैंड बाय टाइम की जो है बात करी गई, यानी कि जो प्रोवाइड करेगा फोन। और इसके अलावा 420 मिनट्स आपको टॉक टाइम देगा, आपको बताओ 420 मिनट्स आपका 7 घंटे बैठता है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको जो USB-C टाइप देखने को मिल जाती है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि 15,000 के फोन्स में भी आजकल देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें जो है 2,000 रुपये के फोन में USB-C टाइप देखने को मिली है। पर मेरे को पर्सनली आपको सी टाइप मुझे पसंद नहीं आई है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि फीचर फोन आपका विलेज वगैरह में जाते वक्त जो है काम आते हैं, यानी कि जहाँ पर आपको चार्जिंग की फैसिलिटी ना मिले। और दूसरी चीज़ यह है कि आपका जो है गाँव वगैरह में आपको USB-C टाइप जो है मुश्किल ही देखने को मिलेगा। पर मेरी थिंकिंग है, आप जो कमेंट्स में बताना आपको USB-C टाइप ज़्यादा प्रेफर करते हो या फिर जो है माइक्रो USB नॉर्मल वाला। और इसके अलावा Xiaomi का फोन है तो उसके अंदर आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है। जी, इतने से फोन में आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलता है, यानी आपको जो है मिनी रिमोट जो है बनने ही वाला है। और इसके अलावा वाईफाई मिल जाएगा, ब्लूटूथ मिल जाएगा, 3.5 mm का जैक भी देखने को इसके अंदर मिल जाता है। और इसके अलावा जो मेन हाईलाइट है इस फोन की, वो है इसकी AI बेस्ड फीचर्स, यानी कि आपका 17 languages में आपको ट्रांसलेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट रीड वगैरह कर देगा, यानी कि सारे जो AI फंक्शंस रहते हैं नॉर्मली आपके जो है वो कर देगा। पर एक खुशखबरी आपको दे दूं इस फोन के बारे में, इसके अंदर आपका जो है एक भी कैमरा नहीं दिया गया है, ना आगे ना पीछे। पता नहीं ऐसा क्यों करा है, एंड्रॉइड फोन कहने को दे दिया, यानी कि व्हाट्सएप चलेगा, फेसबुक चलेगा, यूट्यूब चलेगा, पर आपका कैमरा नहीं दिया गया है। मानता हूं आपको जियो फोन वगैरह में भी आपको 2 कैमरे मिलते हैं आगे पीछे, पर उनकी क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, पर एटलीस्ट आपके दिन के टाइम में जो है काम चलाओ तो आपके भेज ही सकते हैं फोटो, यानी कि व्हाट्सएप पर अगर एमरजेंसी में देनी हो तो। पर इसमें तो आप जो है वो भी नहीं कर पाएंगे। और इसके लॉन्च की बात करी जाए तो ग्लोबल लॉन्च आपका 7 सितंबर में बताया जा रहा है, इसके अलावा शिपिंग वगैरह भी 7 सितंबर में ही होगी इसकी। और इसके अलावा प्राइसिंग की बात करें तो 2,000 रुपये होगी आपके 2G वाले वेरिएंट की। जैसे कि मैंने कहा, दो फोन आपके लॉन्च हुए हैं, तो पहला वेरिएंट आपका 2G वाला, और इसके अलावा 2G वेरिएंट में आपको 8 MB की रैम मिलेगी, 16 MB इंटरनल। तो इस बात से समझो कितना सुंदर फोन है, तो जो आपको बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, यानी कि आप जानना नहीं चाहोगे मेरे ख्याल से। और इसके यहाँ पर 4G वेरिएंट की अगर बात करें तो आपके 3,000 रुपये प्राइस हो सकती है, वरना आपका 2,000 रुपये ही होगी। पर यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत चांस है आपके 3,000 रुपये प्राइस भी हो सकती है, जिस तरीके से जियो फोन 2 की हुई है। और इसके अलावा कमेंट्स में बताना जो है आप इस फोन को लेना चाहोगे कि नहीं, या फिर जो इंतजार कर रहे हो कि नहीं। और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन अगर जरा सी भी पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ ज़्यादा से लाइक कर देना, टारगेट पर 30 लाइक्स है, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करवा देना और इसके वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वेट करने लग गए इस फोन के, यानी कि फीचर फोन के, जियो फोन को छोड़कर। और इसके अलावा चैनल पर रेगुलर हो, मिलता हूँ आपसे वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।